नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय श्री राधे कृष्णा, हर हर महादेव। मैं ज्योतिषाचार्य अनुज जैमिनी आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। सनातन धर्म रहस्य यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, आज हम भगवान शिव के बारे में बात करेंगे। श्रावण मास चल रहा है, आप सभी को श्रावण मास की हार्दिक शुभकामनाएं। मित्रों, ये मेरा पहला प्रयास है कि इस भगवान शिव पर मैं वीडियो बना रहा हूँ, और पूर्व में पोस्ट हमने फेसबुक पर बहुत डाली है भगवान शिव के बारे में। श्रावण मास भगवान शिव का है, इसमें मातम्य बहुत अच्छा है। शिवलिंग को जल चढ़ाना और शिव जी का ध्यान करना, और उसका बहुत असीम फल मिलता है। श्रावण मास में हरी सब्जियों का त्याग कर देना चाहिए, ऐसा हमने सुना है। दूसरा, आज हम बात करेंगे भगवान शिव के स्वरूप के बारे में। एक प्रश्न, क्या एक वीडियो का लिंक आया था, नाम हम याद नहीं लेंगे, किसी से झगड़ा हम नहीं चाहते। एक तथा कथित वैदिक समाज है जो स्वयं को वैदिक बोलते हैं, और उनका एक ये था कि किसी व्यक्ति ने जो स्वयं के नाम के साथ में ऋषि लगाता है, ऋषि बोलता है खुद को, ऋषि वाणी, ऋषि बोले, अब पूछे कि भाई कौन से ऋषि हो तुम, किसने तुम्हें ऋषि शब्द प्रदान, ये ऋषि संज्ञा प्रदान की, उसने वीडियो डाला भगवान शिव के बारे में कि ऐतिहासिक पुरुष शिव, एक शिव हुए नाम, भगवान शिव के बारे में बोला एक शिव वो हुए, वेदों में जो शिव नाम आया है कल्याणकारी है, वो निर्गुण निराकार परमेश्वर का है। दूसरे उनके जो शिव हुए वो ऐतिहासिक पुरुष हुए, और क्या कहा कि सतयुग में हुए, और सतयुग का समय बताया 16,000 वर्ष। मित्रों, ये बिल्कुल बकवास बात है और हास्यपद बात है। अब इसका एक एक करके मित्रों खंडन करेंगे। पूरा वीडियो हमने देखा नहीं, केवल सुना, क्योंकि जो कुत्सित बुद्धि वाले व्यक्ति हैं, जो ऐसी वीडियो को देखने में ही पाप लगता है, दोष लगता है, जो भगवान शिव के पुराण को नकारे और जो भगवान के अस्तित्व को नकारे, ऐसे नास्तिकों के युक्त वाणी ना सुननी चाहिए ना देखनी चाहिए, उसका दोष लगता है। तो शिव पुराण में और वेदों में, महाभारत के अकॉर्डिंग हम आज बताएंगे कि शिवलिंग और शिव जी का स्वरूप कैसा है, और क्यों शिवलिंग से जो शिवलिंग का कैसा रूप है, और भगवान शिव का जो अर्धनारीश्वर रूप कैसा है, और जो भगवान शिव का जो सगुण रूप कैसा है। मित्रों, सगुण और निर्गुण ये दो शब्द हैं जिनको लेकर के भ्रांतियां बहुत हैं। बहुत से लोग ये कहते हैं शिव जी ये निर्गुण निराकार है, इसका कोई आकार नहीं है कोई। मित्रों, आकाश है, आकाश का गुण क्या है, निर्गुण निराकार है। परंतु दृष्टिगोचर जहां तक ऊपर आप देखोगे आकाश में, तो आकाश आपको दिखाई देगा, आकाश में सूर्य दिखाई देगा, परंतु इसकी सीमाएं आप देख नहीं सकते कहां तक आकाश की सीमा है। इसी प्रकार से भगवान का जो निर्गुण निर्गुणातीत जो स्वरूप है, उसको वो हमारे दृष्टिगोचर नहीं होता, हमारी दृष्टि से परे है, उनकी सीमा अनंत है। इसीलिए उनका जो निराकार स्वरूप कहा गया है, और निर्गुण वो भगवान, वो जो ईश्वर हैं, वो किसी गुण में लिप्त नहीं होते, इसलिए उनको निर्गुण कहा गया है। अब शिवलिंग भगवान शिव का निर्गुण निर्गुणातीत रूप है, ये मैं विंध्येश्वर शिव महापुराण के विंध्येश्वर संहिता के अध्याय 10 में पढ़ के बता रहा हूं। ब्रह्मा और विष्णु जी के आग्रह पर नंदीश्वर भगवान ने कहा है कि मैं अज्ञात स्वरूप हूं, पीछे तुम्हें प्रकट देने के निमित्त साक्षात ईश्वर तक्षण ही मैं ही सगुण रूप हुआ हूं, और मेरे ईश्वरत्व रूप को सकल जान तो जानो, और निष्कलत्व स्तंभ ब्रह्म का बोधक है। भगवान शिव ने अपनी वाणी में कहा है कि ब्रह्म का बोधक है,
लिंग लक्षण होने से मेरा लिंग निर्गुण होगा, इस कारण हे पुत्रों, पुत्रों कहा है, तुम नित्य इनकी अर्चना करो, ये सदा मेरी आत्मा रूप है, मेरी निकटता का कारण है, लिंग और लिंगी के अभेद से ये महत नित्य पूजनीय है। जहां किसी ने भी मेरे इस लिंग की प्रतिष्ठा की है, हे पुत्र, वहां प्रतिष्ठित रूप से मैं स्थित हूँ, यह मैं तो नित्य पूजनीय है। जहां कहीं ने किसी ने मेरे लिंग की प्रतिष्ठा की, मैं वहां प्रतिष्ठित हूँ। एक लिंग की स्थापना से मेरे समान रूप की प्राप्ति का फल होता है, दूसरे लिंग की स्थापना से मेरी एकता की प्राप्ति होती है। और आगे इसमें क्या कहा है, यह लिंग प्रदान है और लिंग गौण है, लिंग के भाव से बेर सहित भी एक स्थान प्राप्त नहीं होता है। इसी प्रकार से आगे कहा, ब्रह्मा विष्णु बोले, हे प्रभो, आप हमसे सर्ग आदि पंचकृत्य का लक्षण कहिए। श्री जी बोले, हमारा कृत्य और ज्ञान दुर्लभ है, वो मैं तुमको कहता हूँ। कहा कि संसार का आरंभ का नाम सर्ग, उसकी वृद्धि का नाम स्थिति है, और उसमें नष्ट करने का नाम संघार, उद्धार का नाम उत्क्रम है, उस संसार का मोक्ष करने का अनुग्रह है। ये सब मेरे पांच कृत्य हैं, वो पृथ्वी आदि मेरे कृत्य को गोपुर के बिंब के समान मौन होकर धारण करते हैं। तो ये कहा है कि इन पांच कृत्य के धारण करने से मेरे पांच मुख हैं, चार दिशाओं में, चार मध्य में, पांचवा मुख है, ये शिव पुराण में लिखा है। मित्रों, शिव जी की महिमा कह पाने में कोई भी सक्षम नहीं है, मैं तो एक अदना सा व्यक्ति हूँ, परंतु शिव पुराण में पढ़ के बता रहा हूँ, हमें किसी से ज्ञान प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं, हमारे शैवाचार्यों से, हमारे वैष्णवाचार्यों से, शाक्तों से, हमारे धर्माचार्यों से भगवान शिव के बारे में कथा सुनिए। शिव पुराण आपके सामने है, उसमें आप पढ़ सकते हो। तो शिवलिंग जो है, आपको मैंने पढ़ के बताया, भगवान शिव का निर्गुण निर्गुणातीत रूप है, वही शिव जो कल्याणकारी हैं, वही सगुण साकार रूप लेकर के प्रकट होते हैं, और ये शिव पुराण में लिखा है। सगुण और निर्गुण में कुछ भेद नहीं है। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, सगुण निर्गुण नहीं कछु भेदा। तो अब यहां पर ये तो रही शिव पुराण की बात, अब भगवान शिव का स्वरूप क्या है, ये कहा जाता है कि ऐतिहासिक पुरुष। तो पहले इन लोगों से प्रमाण मांगिए कि ऐतिहासिक पुरुष का प्रमाण दीजिए, कि कहां पर ऐसा लिखा है कि शिव नाम का कोई ऐतिहासिक पुरुष हुआ, कैलाश का राजा था, वो भगवान के शिव के ईश्वरत्व को मानते नहीं हैं। यहां पर शब्दकोश में लिखा है शिव का अर्थ ईश्वर है, ईश्वर का अर्थ शिव है, यानी शिव साक्षात ईश्वर हैं। तुम्हारे पास में यदि कोई प्रूफ हो, प्रमाण हो कि शिव भगवान नहीं थे, ईश्वर नहीं है, केवल महापुरुष हैं, तो ये सिद्ध कर दो, कोर्ट में केस कर दो, तुम्हें खुला चैलेंज है भाई। अब ये यजुर्वेद है, कुछ मित्रों लिमिटेशंस हैं, हमें बिना गुरु के, बिना आज्ञा के वेदों को छूने तक का अधिकार नहीं है, उनके मंत्रों की बाध्यता बोलना नहीं चाहिए। ये मैं ब्राह्मण हूँ, माध्यनंदिनी शाखा है मेरी, और गुरु के मार्गदर्शन में ही बोलना चाहिए। मंत्र का अर्थ बता सकते हैं, परंतु मंत्र गुप्त है, यजुर्वेद इनको प्रकट नहीं बोलना चाहिए। तो हालांकि जहाँ पर स्तुति की बात कही गई है, पुरुष सूक्त के पाठ से भगवान शिवलिंग का, भगवान शिव के शिवलिंग का अभिषेक किया जाता है, नारायण भगवान के श्री विग्रहों का अभिषेक किया जाता है। अब हम यजुर्वेद के 16वें अध्याय की बात करते हैं। 16वें अध्याय में ये तो देवता रुद्र हैं, अब इनसे पूछे रुद्र का अर्थ क्या है, तो कहेंगे दुष्टों को रुलाने वाले को रुद्र कहा गया है। ऐसा सामर्थ्य किसमें भाई, भगवान शिव तुम को साधारण मनुष्य मानते हो, तुम्हारे पर कोई प्रमाण नहीं है। पहली बात तो भगवान निर्गुण निराकार के साथ में सगुण भी हैं, जैसे आत्मा निर्गुण है, शरीर सगुण है, ठीक है ना, आत्मा निराकार है और शरीर साकार है। तो अब यहां पर 16वें अध्याय में यजुर्वेद में मंत्र के अर्थ में बता देता हूं आपको, यहां पर बताया गया है कि रुद्रदेव आपको के मन्यु
अनिति दमन के प्रति के लिए क्रोध के प्रति हमारा नमस्कार है, आपके बाणों को नमस्कार है, दोनों भुजाओं के लिए नमस्कार है। हे रुद्रदेव, आप उच्च पर्वत की सुरक्षित गुहा में रहते हैं, आपका कल्याणकारी शांत रूप पापों के विनाशक होने के कारण सोमवार बलशाली है। अब गुफा में कौन रहते हैं, पर्वत पर कौन रहते हैं, भगवान शिव के बारे में यहीं पर इनको बोला गया। आगे दसवां मंत्र है, इन जटाधारी रुद्रदेव का धनुष प्रत्यंचा रहित होकर आवश्यकता विहीन हो जाए, तरकस बाणों से खाली हो जाए, इनके बाण कहीं न पड़े। यानी कि यहाँ पर ये समझ, इससे पहले परमंच, ये यहाँ पर जो नौवां मंत्र है, भगवान रुद्रदेव सायकाल के समय धारण किए अपने धनुष की दोनों कोटियों में स्थित प्रत्यंचा किरणों को उतार लें, समेट लें और हाथों में धारण किए गए बाण अत्यधिक उष्णता के साथ का परित्याग करें, यानी कि अपने रुद्र रूप का त्याग करें, अपने भक्तों के लिए सौम्य रूप बनाएं, हम पर आप कृपा बनाए रखें, ऐसा भाव निकलता है। भगवान शिव का कल्याणकारी रूप है दुष्टों के लिए, उनका रुद्र रूप है, तीसरी आंख खुल जाती है तो संसार हिल जाता है। तो यहाँ पर सूर्य के लिए भी कहा गया, परंतु यहाँ पर रुद्र है, भगवान शिव के रुद्र रूप का वर्णन किया गया है। यहाँ पर ये बोला भी गया है, नमस्तु नीलग्रीवाय शस्त्राक्षाय मीडुषे, नीले कंठ वाले शस्त्र नेत्रों वाले रुद्रदेव को नमन। भगवान शिव की बात करी गई है, यहाँ पर पिनाकधारी शिव की बात की गई है। भगवान पिनाक किसका धनुष है ये सबको पता है, जो हमारे वैदिक सनातन धर्म में, तो यहाँ पर लिखा है सभा रूप रुद्रदेव को नमन है, सभापति रूप रुद्रदेव को नमन है, नमो गणेभ्यो गणपति विश्व नमो। यहाँ पर सेना के समूह रुद्र समूहपति रुद्रदेव को नमन है, और यहाँ पर जटाजूटधारी ये यहाँ पर बोला गया है। तो इसमें ये 16वां अध्याय यजुर्वेद में है, इसके अलावा शिवोपनिषद में भगवान शिव की अनन्य महिमा का वर्णन है। दूसरी बात, महाभारत आप पढ़ सकते हो, महाभारत में भगवान शिव के शिव सहस्त्र नाम का भी वर्णन है। ये अब ये कहोगे कि मिलावट है, ये मिलावट है, वो मिलावट है, भैया पहले तो आप इस बात का प्रमाण दे दीजिए कि हमारे शास्त्रों में मिलावट है, किसने करी, और तुम उस समय क्या, तुम्हारे जो पूर्वज थे वो क्या कर रहे थे, उन्होंने मिलावट करने से क्यों नहीं रोका, पर और मिलावट का आधार क्या है। तो ये कहेंगे कि संजीवनी नाम की पुस्तक थी, राजा भोज ने लिखी थी। अच्छा, इनसे प्रमाण मांगो, लेकर आओ, कहाँ पर है, तो कहेंगे कि इसका वो दुर्भाग्य से कहीं खो गई। तो कोर्ट में प्रमाण मांगा जाता, आप कोर्ट में जाइए, कोर्ट में प्रमाण प्रस्तुत कीजिए, ठीक है, कोर्ट में सबूत खो जाएंगे आपके, ऐसे दुर्भाग्य से कहीं खो गया, मतलब मेरे मन को भाया, मैं कुत्ता काट के खाया, ये बात नहीं चलेगी भैया, प्रमाण प्रस्तुत कीजिए, अगर मिलावट है तो, अदरवाइज आप झूठे सिद्ध हो गए, अपनी मनमुखी मनगढ़ंत बातें दूसरों को थोपते हो। यदि शिवजी ऐतिहासिक पुरुष हैं तो अर्जुन ने किन की उपासना करी थी भाई, उसी शिवलिंग से प्रकट होकर के भगवान शिव ने उस राक्षस जो शुकर रूप धारण करके आया था अर्जुन, पांडव वीर अर्जुन को मारने के लिए, अर्जुन की रक्षा की थी। ऐसे प्रमाण महाभारत में भी हैं, भगवान श्री राम ने शिवलिंग की स्थापना की थी, रामेश्वर शिवलिंग की, महाभारत में ही वर्णन है कि जिनको तुम ये बोलते हो कि भगवान श्री कृष्ण ने 12 वर्षों तक निराकार परमेश्वर की तपस्या की, अब वो निराकार परमेश्वर कौन है भैया, स्पष्ट रूप से शिव जी की आराधना की बात है, वहां पर तुम उस श्लोक को प्रमाणिक मान लेते हो कि 12 वर्ष तक उन्होंने पुत्र की प्राप्ति के लिए तपस्या की और उन्होंने प्रद्युमन जैसा पुत्र प्राप्त किया, वहीं पर ये नहीं देखते कि वो किसकी आराधना करी और शिवलिंग की स्थापना किसकी करी। तो ज्यादा तो नहीं बोलेंगे, अगले पार्ट में भगवान शिव के शिवलिंग के मातम्य का वर्णन करेंगे और रुद्राक्ष का वर्णन करेंगे, किसको धारण करना चाहिए, धारण करने की योग्यता क्या है। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम, हर हर महादेव।